नमस्कार, जानकारी के खजाने में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे जीवन में कई सारी परेशानियां आती रहती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उन परेशानियों को दूर नहीं किया जा सकता। उन सभी परेशानियों को दूर किया जा सकता है अगर आप हार न माने तो। यहीं पर आपकी गलती होती है और आप हार मान लेते हैं और फिर आपके जीने की इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है और आप अपने जीवन को नष्ट करने की सोचने लगते हैं। अगर आप उन्हीं में से हों तो एक छोटी सी कहानी आपके लिए है। एक व्यक्ति एकदम अकेला उदास बैठा कुछ सोच रहा था। वह अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका था कि उसके पास भगवान है। भगवान को अपने समक्ष देख उस व्यक्ति ने पूछा, मुझे जिंदगी में बहुत असफलताएं मिली, अब मैं अकेला और निराश हो चुका हूँ। हे भगवान, मुझे बताओ कि मेरे जीवन का कीमत क्या है। भगवान ने उस व्यक्ति को एक चमकदार पत्थर दिया और कहा, जाओ इस पत्थर की कीमत का पता लगाओ, तुम्हें अपनी जिंदगी की कीमत का पता चल जाएगा। ध्यान रहे, तुम्हें इस पत्थर को बेचना नहीं है। वह व्यक्ति उस चमकदार पत्थर को लेकर सबसे पहले एक सब्जी वाले के पास गया और उसे कहा, भैया ये पत्थर आप कितने का खरीदोगे। सब्जी वाले ने कहा, मुझसे एक 10 किलो आलू ले जाओ और ये पत्थर मुझे दे दो। लेकिन भगवान के कहे अनुसार उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं ये बेच नहीं सकता। फिर वहां से वह एक फल वाले के पास गया और कहा, भाई ये पत्थर कितने का खरीदोगे। फल वाले ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, तुम मुझसे 25 संतरे ले जाओ और ये पत्थर मुझे दे दो। लेकिन भगवान के कहे अनुसार उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं यह बेच नहीं सकता। फिर वह व्यक्ति पत्थर के साथ एक सुनार के पास गया और कहा, भैया ये पत्थर आप कितने का खरीदोगे। उस सुनार ने पत्थर को बड़े गौर से देखा और कहा, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, ये पत्थर मुझे बेच दो। फिर उस व्यक्ति ने सुनार से माफी मांगी और कहा, ये पत्थर मैं बेच नहीं सकता। सुनार ने फिर कहा, अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें 2 लाख दूंगा, ये पत्थर मुझे बेच दो। सुनार की बात को सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया, लेकिन सुनार को मना कर वह आगे बढ़ा और एक हीरा बेचने वाले की दुकान पर गया। हीरे के व्यापारी ने उस चमकदार पत्थर को पूरे 5 मिनट तक देखा और फिर एक मलमल का मुलायम कपड़ा लेकर पत्थर को उस पर रख दिया। उस व्यापारी ने अपना सर उस पत्थर पर लगाकर माथा टेका और कहा, तुम्हें ये कहाँ से मिला, ये इस दुनिया में सबसे अनमोल रत्न है, इस दुनिया में पूरी दौलत भी लगा दी जाए तो इस पत्थर को नहीं खरीद सकते। ऐसा सुनकर व्यक्ति बहुत हैरान हुआ और भगवान के पास जा पहुंचा, उन्हें सारी बात बताई और फिर भगवान से पूछा, हे भगवान आप मुझे बताइए मेरे जीवन का कीमत क्या है। भगवान ने कहा, सब्जी वाले ने, फल वाले ने, सुनार ने और हीरे के व्यापारी ने तुम्हें जीवन की कीमत बता दी। मनुष्य, किसी के लिए तुम एक पत्थर के समान हो और किसी के लिए बहुमूल्य रत्न के समान। हर किसी ने अपनी जानकारी के अनुसार उस पत्थर की कीमत बताई, लेकिन उस हीरे के व्यापारी ने इस पत्थर को पहचान लिया। ठीक उसी प्रकार कुछ लोग तुम्हारी कीमत नहीं पहचानते, इसलिए जिंदगी में कभी निराश मत हो। इस दुनिया में हर मनुष्य के पास कोई न कोई ऐसा हुनर होता है जो सही वक्त पर निखर कर आता है, लेकिन उसके लिए परिश्रम और धैर्य की जरूरत है। जब दुनिया को तुम्हारी कीमत का पता चलेगा, तुम्हें खुद पर गर्व होगा। दोस्तों, हमें जरूरत है अपने ऊपर विश्वास करने की। आप सबसे अलग हो और कड़े परिश्रम से आप खुद का व्यक्तित्व निखार सकते हो। जब यह पूरी दुनिया तुम्हारे हुनर को समझने लगेगी, तब तुम कामयाब हो जाओगे और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मित्रों, हमारी कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हम पुनः आपसे जरूर मिलेंगे।